Hello everyone I charul welcome you all on my channel education at your doorstep this is the 29th lecture in the lecture series of geomorphology and guys as you know that we have started a sub lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail so we have already talked about the first order landforms and the second order landforms and now we are discussing about the third order landforms in which we are going to continue the topic of the aeolian landforms which are basically the result of the action of the wind in the previous video we have discussed about the basics of the aeolian landforms about the different types of desert areas weathering and the wind erosion and in this lecture we will be talking about the different types of aeolian erosional landforms like the mushroom rock mountain island zeugans and the yardangs and in the next lecture we will be talking about the aeolian depositional landforms. But guys, before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. List down any five important desert areas of the world. What is the another name for the sandy desert and the stony desert? How physical weathering is different from the chemical weathering? What is onion peeling type of weathering?

तो गैस हमें पता है कि अयोलियन लैंड फॉर्म्स और बेसिकली द थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी एक्सटर्नल फोर्सेज तो हमने तीन तरह की एक्सटर्नल फोर्सेज देखी थी विंड रिवर एंड द ग्लेशियर तो हमने रिवर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि कैसे वो हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं एंड अभी जो हमारी विंड है वो फॉर्मेशन करती है एयोलियन लैंड फॉर्म्स की एंड गाइस हमने देखा था कि जो एयोलियन लैंड फॉर्म्स हैं ये बेसिकली डेजर्ट एरियाज में बनते हैं तो इसके पीछे रीजंस देखते हैं क्या क्या हैं। पहली चीज तो ये है है, कि जो soil of the desert areas है, वो बहुत अच्छे से डिवेल्प नहीं होती क्योंकि गाइज यहाँ पर ना तो किसी तरह की वेजिटेशन होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमारी विंड आसानी से यहाँ पर ब्लो कर पाती है जिसकी वजह से विंड की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड गाइस हमने क्या क्या देखा एक तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो लूजली पैक्ड है दूसरा यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑब्सट्रैकल नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो अयोलियन इरोशनल ये में बन जाते हैं क्योंकि जो हमारी विंड एनर्जी होती है वो सफिशियंट होती है हमारे डेजर्ट एरियाज को इरोड करने के लिए इसीलिए गाइज यहाँ पर अयोलियन इरोशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो गाइस अयोलियन लैंडफॉर्म्स आर बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द विंड अभी जो एक्शन है वो बेसिकली इरोजनल भी हो सकता है डेपोजिशनल भी हो सकता है तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इरोजनल एक्शन के बारे में बात करेंगे एंड हम लोग देखने वाले हैं अयोलियन इनलफॉर्म्स के बारे में जो कि बनते हैं हमारे डेजर्ट एरियाज में तो वैस हम लोग बात करेंगे डेजर्ट हॉलों के बारे में मशरूम रॉक के बारे में माउंटेन आईलैंड जियोगन्स एंड के बारे में तो पहले बात करते हैं डिफ्लेशन बेसिन के बारे में

तो जो छोटे सेडिमेंट्स होंगे वो तो अबव फ्रॉम द ग्राउंड मूव करेंगे लेकिन जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे दे विल रोल ऑन द अर्थ सरफेस तो इस तरह से गाइस क्या होगा कि सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो गाइस हुआ क्या कि हमारे डेजर्ट एरियाज में एक जगह पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सबस्ट्रेटा प्रेजेंट थी लेकिन उसके आसपास प्रेजेंट थी हार्ड सबस्ट्रेटा And आपको पता है कि soft substrata की erosion बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर sediments बहुत ही ज़्यादा होते हैं as compared to the hard substrata. जिसकी वजह से हमारी विंड ने सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की बहुत ज्यादा इरोजन कर दी जिसकी वजह से गाइज वहां पर एक डिप्रेशन हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हमने डेजर्ट हॉलो का नाम दिया है क्योंकि ये हॉलो बेसिकली डेजर्ट एरिया में बन रहा है इसलिए ये हो गया डेजर्ट हॉलो एंड बन रहा है डिफ्लेशन के कारण तो हमने इसको डिफ्लेशन हॉलो का नाम भी दे दिया है तो गाइज अभी जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे रॉक्स स्टोन्स जो बेसिकली हमारी विंड के साथ ब्लो नहीं कर पाएंगे हमारी विंड इनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरी जगह पर तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग डेजर्ट वेपमेंट्स का नाम दे, दे देते हैं तो गैस जैसे जो ये हमारा लैंडफॉर्म है ये बेसिकली डिफ्लेशन के कारण बन रहा है सॉफ्ट के कारण बन रहा है तो हमने इसको डिफ्लेशन डिफ्लेशन हॉलो या फिर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो गाइज अभी डिफ्लेशन के दौरान जो भी पार्टिकल्स हमारी विंड के साथ ब्लो करते हुए जा रहे थे उनको अचानक से रास्ते में गाइज कोई ऑब्सट्रैकल मिल गया मतलब या तो फिर कोई लैंडफॉर्म मिल गया या फिर रॉक मिल गया तो गाइस हमने देखा था कि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं दे विल रोल ऑन द अर्थ सर्फेस लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली अबव द ग्राउंड मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो फाइन पार्टिकल्स उठाए थे हमारी विंड ने वो बेसिकली अपर पार्ट ऑफ द रॉक के साथ टकराएंगे लेकिन गाइस आपको पता है कि अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरोजन कॉज नहीं कर पाएंगे अपर पार्ट ऑफ द रॉक की लेकिन जो लार्ज साइज रॉक्स हैं दैट आर रोलिंग ऑन द अर्थ दे विल कॉज इरोजन ऑफ द बेस ऑफ द रॉक तो जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो बेस ऑफ द रॉक है उसकी इरोजन बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द रॉक क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द रॉक की इरोजन कर रही है हमारे फाइन पार्टिकल्स जबकि जो बेस ऑफ द रॉक है इसकी इरोजन हो रही है लार्ज साइज पार्टिकल्स के कारण तो गाइज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा क्योंकि जो बेस होगा वो बेसिकली नैरो हो जाएगा जबकि जो अपर पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड रहेगा एंड इसी को हम गाइज मशरूम रॉक एंड इसे एक और नाम दिया जाता है दैट इज दिल्सन रॉक तो गाइज जो हमारा डिफ्लेशन हॉलो था वो बन रहा था डिफ्लेशन के कारण लेकिन जो मशरूम रॉक है गाइज ये बेसिकली बनता है एब्रेशन के कारण तो इसमें गाइस क्या हुआ कि जो बेस ऑफ द रॉक था वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा नैरो हो गया एज कंपेयर टू द अपर पार्ट एंड इसी शेप को हम लोग मशरूम शेप का नाम भी दे देते हैं तो गाइज अभी एप्रेशन और ज्यादा होता गया जिसकी वजह से जो मशरूम रॉक था वो बिल्कुल एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर में आ गया है एंड इस पिलर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग गाइज रॉक पेडेस्टर का नाम दे देते हैं तो गैस हमने क्या देखा कि डिफ्लेशन हॉलो बनता है डिफ्लेशन के कारण मशरूम रॉक बनता है एब्रेशन के कारण अभी और ज्यादा जो है गैस इरोजन हो गई है हमारे मशरूम रॉक की जिसकी वजह से यहाँ पर एक पिलर लाइक लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन हुई जिसे हमने रॉक पेडेस्टल का नाम दे दिया है तो गैस अभी बात करते हैं ज्यूगन के बारे में जिसे हम लोग कैब्ड इम्पोर्ट लैंडफॉर्म का नाम भी दे देते हैं तो गायस हमने फ्लूशनल इरोजनल लैंडफॉर्म्स में बात की थी स्ट्रक्चरल बेंचेस के बारे में कि कैसे जब हमारे रिवर के बेस पर जो सॉफ्ट सबस्ट्रेटा थी एंड हार्ड सबस्ट्रेटा थी वो अल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट थी इन द हॉरिजॉन्टल दॉरिजोटल तो उनकी इरोजन का रेट डिफरेंट डिफरेंट था तो ऐसा ही अगर हमारे डेजर्ट एरियाज में होगा कि एक जगह पर सॉफ्ट सबस्ट्रेटा है उसके साथ हार्ड उसके बाद सॉफ्ट हार्ड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इन द हॉरिजॉन्टल मैनर तो इससे गाइस क्या होगा कि जब विंड इरोजन करेगी तो वो सॉफ्ट सब्सट्रेटा की इरोजन ज्यादा कर देगी एज कंपेयर टू हार्ड सब्सट्रेटा क्योंकि गाइज जो सॉफ्ट सब्सट्रेटा होती है उसके सेडिमेंट्स बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू दी हार्ड सब्सट्रेटा जिसकी वजह से गाइज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि बीच में तो होगा हमारा एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर एंड वहां पर कुछ एब्रेशन भी हो जाएगी जिसकी वजह से गाइज बेसिकली वहां पर इंक पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड इसी स्ट्रक्चर को गाइज हम लोग क्या बोलते हैं ज्यूगन लैंडफॉर्म एंड क्योंकि ये इम्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे कैप्ड इम्पोर्ट लैंडफॉर्म भी बोल देते हैं तो गाइज ये बेसिकली इक्वाइवलेंट है हमारे स्ट्रक्चरल बेंच के जो कि है हमारा एक फ्लूवियल लैंडफॉर्म तो ये कैसे बना अगर हमारी जो हॉरिजोनटल मैनर में सॉफ्ट एंड हार्ड सब्स्रेटा ऑल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट थी एंड जो हमारी सॉफ्ट सब्साटा थी उसकी ज्यादा इरोजन हो गई एज कंपेयर टू दार्ड सब्सटाटा तो हमारे जियोगंस की फॉर्मेशन हो गई है उसके बाद गाइस बात करते हैं यारड्स की आपको याद होगा हमने रैपिड्स एंड कैटेक्ट्स की बात भी की थी फ्लूविय लैंड फॉर्म में तो बेसिकली यारड्स आर इक्वाइवल एंड तो टू रैपिड्स एंड दी तो गाइज हमारे में क्या हो रहा था जो हार्ड सब्साटा थी सॉफ्ट सब्सट्रेटा थी वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैनर में प्रेजेंट थी लेकिन अगर ये वर्टिकल मैनर में प्रेजेंट हो जाए तो भी गायस क्या होगा कि जो हमारी विंड है वो बेसिकली सॉफ्ट सब्चेटा की ज्यादा इरोजन करेगी एज कंपेयर टू दी हार्ड सब्जेटा जिसकी वजह से गायस जो सॉफ्ट सब्चेटा होगी वो तो बिल्कुल ही थिन लाइक -like स्ट्रक्चर में रह जाएगी लेकिन जो बेसिकली हार्ड सब्चेटा होगी वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होगी एंड इस टाइप के स्ट्रक्चर को गाइज हम लोग बोलते हैं यार डांस

तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यारडंग प्रेजेंट है जिसमें जो हार्ड सबस्ट्रेटा है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है लेकिन जो हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा थी वो जस्ट लाइक कोरिडोर प्रेजेंट रह गई है एंड इसके साथ इसकी जो गाइस सबसे ज्यादा इरोजन हुई है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड हो रखी है तो गाइस अभी बात करते हैं मीजर्स एंड द ब्यूटीज के बारे में तो गाइज हुआ क्या कि हमारा कोई लैंडफॉर्म प्रेजेंट था हमारे डेजर्ट एरिया में लेकिन उसकी इरोशन हो गई मान लो उसके ऊपर कोई सॉफ्ट सबस्ट्रेटा प्रेजेंट थी जिसकी इरोशन हमारी विंड ने कर दी लेकिन उसके बाद गाइज क्या हुआ कि ऊपर का जो लेयर है वो हार्ड सबस्ट्रेटा की बनी हुई है जो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है नीचे वाले लेयर्स को फ्रॉम द इरोशन एंड ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग गाइज क्या बोलते हैं मीजल्स लेकिन गाइस होगा क्या कि अभी विद टाइम इसकी भी इरोशन तो होगी ऑल्दो इसका जो रेट है वो बहुत स्लो होगा क्योंकि जो सॉफ्ट सब्सट्रेटा है वो आसानी से इरोड हो जाती है एज कम्पेयर टू दी हार्ड सब्सट्रेटा, लेकिन इरोशन तो हार्ड सब्सट्रेटा की भी होगी एंड विद टाइम जब हमारे मीज़र्स है इनकी हाइट बहुत कम रह जाएगी तो हम लोग इन्हें ब्यूटीज का नाम दे देते हैं तो गाइज बेसिकली इसमें हुआ क्या कि जो अपर लेयर ऑफ द लैंडफॉर्म है इट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द लोअर लेयर्स एंड इसी को हमने मीजस एंड ब्यूटीज का नाम दे दिया है तो गाइज इसमें कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है स्लोब से स्टीप भी हो सकती है जेंटल भी हो सकती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट मीजर्स एंड ब्यूटीज प्रेजेंट हैं जो तो बेसिकली गाइज अबव द ग्राउंड है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है उन्हें मीजर्स बोलेंगे एंड जिनकी हाइट कम है उन्हें ब्यूटीज का नाम दे दिया जाएगा Guys, अभी बात करते हैं माउंटेन आइलैंड्स की जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं दैट इज़ द आइलैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बीच में लैंड एंड आसपास वाटर बल्कि आइलैंड का मतलब ये होता है कि बीच में आपके किसी तरह का लैंडफॉर्म प्रेजेंट है एंड आसपास उसके किसी दूसरी तरह का लैंडफॉर्म प्रेजेंट है तो हमारे माउंटेन आइलैंड में गाइस होता क्या है कि मान लो हमारे डेजर्ट एरियाज में किसी तरह का कोई प्लेट्यू प्रेजेंट था लेकिन अभी उसकी इरोजन हो गई जिसकी वजह से गाइस जो उसका टॉप था वो राउंड हो गया एंड उसकी जो स्लोप थी वो स्टीप हो गई जिसकी वजह से गाइस हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं माउंटेन आइलैंड क्योंकि इसकी हाइट अब डेजर्ट एरिया है एंड ऑल्सो गाइज ये बेसिकली अलग सा ही दिखेगा क्योंकि आसपास तो हमारे डेजर्ट्स हैं लेकिन बीच में एक अलग सा माउंटेन है जिसको हम लोग माउंटेन आइलैंड का नाम दे देते हैं एंड इसे हम लोग इंसलबर्ग भी कहते हैं तो गाइज ऐसा कुछ दिखता है हमारा माउंटेन आइलैंड आप देख सकते हैं कि बीच में गाइज एक आइलैंड लाइक स्ट्रक्चर है मतलब एक बेसिकली है तो एक माउंटेन लेकिन उसके आसपास क्या है गाइस डेजर्ट मतलब एक अलग सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक बहुत ही ज्यादा होमोजीनियस स्ट्रक्चर में तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग गाइज आइलैंड का नाम देते हैं एंड जैसे कि ये एक माउंटेन लाइक -like है एंड आसपास डेजर्ट है तो इसे हम लोग माउंटेन आइलैंड का नाम दे देते हैं तो गाइस उसके बाद बात करते हैं ऐसे पार्टिकल्स की जो कि बेसिकली आफ्टर द इरोजन हमारे डेजर्ट एरियाज में बच जाते हैं एंड ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग गाइस क्या बोलते हैं बॉर्न हेडेट्स एंड गाइस ये बेसिकली फॉर्मेशन करते हैं हमारे स्टोनी डेजर्ट्स की क्योंकि हमने देखा था कि स्टोनी डेजर्ट्स तभी बनते हैं जब हमारे डेजर्ट एरिया में बहुत ही ज्यादा इरोजन हो जाती है की जो सारी की सारी सैंड होती है फाइन पार्टिकल्स हैं, वो वहां से रिमूव हो जाते हैं एंड जो सेडिमेंट्स पीछे बच जाते हैं उन्हें बॉर्न हेडिट्स का नाम दे दिया जाता है तो गैस अभी क्या हुआ कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स थे दे वर बेसिकली रोलिंग ऑन द अर्थ सर्फेस तो होगा क्या कि वो आपस में टकराएंगे उनके एजेस बनेंगे धीरे धीरे वो शार्प हो जाएंगे तो अगर जो रॉक है बेसिकली जो हमारा पार्टिकल मूव ऑन हो गया है हमारे डेजर्ट एरिया से अगर उसके तीन एजेस हैं तो उसे हम लोग ड्रिंकेंट्स बोलते हैं अगर उसके मोर देन थ्री एजेस प्रेजेंट हैं गाइस तो उसे हम लोग वेंटिफेक्ट का नाम दे देते हैं तो गाइस यहाँ पर आप एक ड्रिंकेंट देख सकते हैं जिसके तीन एजेस हैं तो गैस हुआ क्या कि जो पार्टिकल्स बेसिकली पीछे रह गए उन्हें हमने बॉन हेडेड्स बोला लेकिन जो पार्टिकल्स आपस में टकरा टकरा कर उन्होंने शार्प एजेस बना लिए एजिस की फॉर्मेशन कर दी उन्हें हम लोगों ने बोला ड्रिंकेंट्स अगर उनके तीन एजेस बने अगर मोर देन थ्री एजेस बन गए हैं तो उन्हें हम लोगों ने वेंटिफेक्ट का नाम दे दिया है सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ यू इंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अयोलियन डपोजिशनल लैंड फॉर्म्स के बारे में एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा दैट इज द ग्लेशियन लांड फॉर्म्स सो गाइज स्टे ट्यून थैंक यू